हेलो दोस्तों, तो आइए चलते हैं, दिखाते हैं आपको गंगा जी का जल स्तर। ये देखिए भाई यहाँ बैठा हुआ छोटा वाला, ये कह रहा है कि मेरा है पारोटी, तुम्हारा तो बर्गर है। किसका बर्गर किसका पारोटी है भाई है? बर्गर और पारोटी का मतलब भी समझाओ, क्या है बर्गर का है पारोटी, मतलब समझे, मतलब फोटो खिंचवा रहे थे, अब उसको अगर एक्सप्लेन नहीं करेंगे जो समझ सकता है वो समझ जाए। नहीं स्नैप स्नैप नहीं यार, यूट्यूब। जैसा कि मॉर्निंग आप दृश्य देख सकते हैं एकदम, तो जैसा कि आप देख सकते हैं अभी मैं खड़किया घाट पर खड़ा हूँ और पानी का जो लहर है और पानी का जो जल स्तर है बहुत ऊपर तक आ चुका है। तो आइए चलते हैं नीचे और नीचे से आपको नज़ारा दिखाने का प्रयास करते हैं और देख सकते हैं क्या नज़ारा और क्या खूबसूरती है। आया हूँ 5 दिन बाद, दिखाते हैं आपको नज़ारा। देख सकते हैं हम मॉर्निंग में साफ सफाइयां तगड़े तरीके से हो रही है और ये है वेलकम करता हुआ हाथ। तो आइए खिड़किया घाट पे और मजा लीजिए। यही बोल रहा है कि हाउ माउस है, बताओ एक कंप्यूटर का आग्रह तब अच्छा हाउस बोले हो आप, सुने नहीं है ना, माउस है, दोनों दोस्त है, माउस बोले, माउस कौन सी, कंप्यूटर है। आइए चलते किनारे साइड से और उधर से आपको नज़ारा दिखाते हैं। अभी बस थोड़ा सा और अगर एक फीट पानी आ जाएगा तो समझ लीजिए कि खिड़किया घाट का निचला सरफेस है वहाँ पानी आ जाएगा और यहाँ से आप पूरा नज़ारा 360 डिग्री पे देखिए और मजा लीजिए। और ये देखिए यहाँ पे कोई स्टेज बनाया गया है, बहुत बड़ा स्टेज है और इसके नीचे देखिए यहाँ पे पानी पे तैरने वाला जो होता है वो तैर रहा है स्टेज पूरा और खिड़किया घाट पे लगा हुआ है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं पानी का जो बहने का बहाव है कितना खतरनाक है, एकदम जबरदस्त तरीके से बह रहा है पानी। और भाई लोग रहे खिड़किया घाट पे एकदम रनिंग एकदम चाप कर रहे हैं। तो बढ़ते हैं आगे दोस्तों, चलिए दिखाते हैं और कुछ नज़ारा और दिखाते हैं आपको प्रोग्राम पूरा खिड़किया घाट का। ताकि आप देख सकते हैं मॉर्निंग टाइम का यहाँ नज़ारा, अभी दिखाता हूँ मैं आपको एकदम जैसे यहाँ पे यह रेलिंग लगाई गई है, मतलब पत्थर का बना हुआ है, यहाँ पानी देख सकते हैं आप एकदम सब पानी का एकदम लेवल एकदम चकाचक ऊपर है। आज सोचा मॉर्निंग में घाटों पे घूमूंगा और खिड़किया घाट साइड पे घूमूंगा। 5 दिन पहले आया तो पानी का जो बहाव था वो नीचे था। चल रही है तैयारी, किस चीज चल रही है? आर्मी 4 साल के लिए। तो देखिए ये खिड़किया घाट पे नाव लगा हुआ है, ये जो लग रहा है कि ये कहीं और से आया है क्योंकि ये कभी मैंने बनारस में घाटों पे कभी देखा नहीं। और ये सार्वजनिक शौचालय है, बोर्ड पे है, तो इसको तो मैंने कभी देखा नहीं था, फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। और इधर देख सकते हैं आप, यहाँ पे आप सीवेज बोल रहा हूँ यार। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे CNG फ्यूल मिलता है। और अभी देख सकते हैं खिड़किया घाट में एकदम थोड़ा बस 1 फीट और बाकी है, उसके बाद पानी खिड़किया घाट पे आ जाएगा। और पहली बार ऐसा होगा कि घाट बनने के बाद घाटों पे पानी आएगा। देख सकते हैं आगे पीछे का नज़ारा, जगह जगह बैठने के लिए सीढ़ी भी बनाया गया है और यहाँ बैठने के लिए सीट बनाया गया है। देखिए साफ सफाई कितना जोर तरीके से हो रहा है। यहाँ से आप राजघाट पुल देख सकते हैं और राजघाट पुल देख करके मजा ले सकते हैं, अभी ट्रेन वन जा नहीं रही है। और यहाँ पे देख सकते हैं पानी का जो बहाव है कितना खतरनाक है और जलकुंभी देखिए पूरा एकदम आ करके इसी फ्यूल टंकी के पास में लग चुका है। आइए चलते हैं अदर घाट्स पे और अदर घाट्स को भी दिखाते हैं आपको। एक दिन जब आया था तो यहाँ पे एक भैया थे, वो बता रहे थे कि लोग किस प्रकार से इस घाट पे गंदगी फैलाते हैं, एकदम तगड़े तरीके से फैलाते हैं, आते हैं खाते और फेंक के चले जाते हैं। भैया लोग ना हो तो घाट की एल लग जाएगी। ये घाटों पे यहाँ पे लाइट लगाया गया है पोल के ऊपर, पीला पीला जल रहा है, एकदम मस्त लग रहा है राजा। गुड मॉर्निंग भैया, कैसे हैं? जबरदस्त शानदार। यहाँ से आप देख सकते हैं नज़ारा, पानी बह रहा है एकदम,
बस एक फीट मान लीजिए कि बाकी है, नहीं तो भाटों में पानी इधर आ जाएगा नीचे साइड में। कुछ भी कह लो लेकिन एक लोग जब और होता है तो वीडियो बनाने में और मजा आता है, अकेले एकदम तो सुनसान लगता है, मजा ही नहीं आता है। ये सब भाई आए हैं, थोड़ा इन्हीं से बात करते हैं। कहाँ से आए आप लोग? हैं यूपी से? अरे तो यूपी में तो आइए, वो मर्दवा मऊ यूपी में ही। अयोध्या जाना है मेरे भाई। ये बताओ क्या कोई काम स्टार्ट हुआ कि नहीं? कौन सा मंदिर वाला हो गया है? अंदर जाने दे रहे हैं? नहीं ना, अभी अभी नहीं अंदर जाने, इसलिए इधर काम चल रहा होगा। और बताओ हाल चाल, यहाँ पे क्या कर रहे हो? पानी बह रहा है, काशी देखने आए थे। कहीं डूब जाओगे तो? अभी हले ही नहीं डूबे थे। कैसे ओढ़ने ओढ़ने आता है? नहीं, इसीलिए तो अंदर नहीं जा रहे हैं। जाइएगा भी मत, नहीं तो वाट लग जाएगी। दोस्तों आप देख सकते हैं राजघाट पुल है, और राजघाट पुल के किनारे किनारे यहाँ पे लगा है नैया, दिख रहा है आपको। और यहाँ पे जो ऑरेंज कलर का, पहले तो कभी आओ कलर हुआ करता था यार, बाबा कुल एकदम यार ऑरेंज ऑरेंज करवा दिए भाई, एकदम कूल नहीं है वह, ऑरेंज हो गया है। बाबा बाबा लेकिन हाई बचा हुआ है, देखिए NDRF इंडिया। तो ये सारी ये इमरजेंसी होती है, मान लीजिए कि ऐसे नाव जो होते हैं तो इमरजेंसी, ये मान लीजिए कोई कांड वंड हो गया, उस कांड में जो है कि तलाश करने के लिए इन नाव का यूज किया जाता है ना भाई। या यूट्यूब पे डालेंगे यार, किस पे डालेंगे? चैनल बता देना। भाई कह रहा है कि चैनल बता दीजिए, तो मैं चैनल का बता दूंगा, सब्सक्राइब कर लेगा, जो कि मैं नहीं चाहता। मैं दिखाना चाहता हूँ कि क्या यहाँ से बढ़ेंगे हम आगे की तरफ और आगे चलेंगे, और आगे जो पानी का बहाव है, चलो चलते हैं साथ में। हाँ हाँ चलो चलते हैं। और ये राजघाट पुल, नीचे जला ट्रेन ना जा, ऊपर जला गाड़ी मोटर। और बताओ पढ़ाई क्या है तुम लोग का चल रहा है? पढ़ाई चल रही बढ़िया। अरे पढ़ाई में कहा चल रहा है बढ़िया, तो हमको पता है बढ़िया, जो पढ़वा तुम बढ़िया चली। एयरफोर्स की तैयारी हो रही है, एयरफोर्स की तैयारी चल रही है। और भाई तुम्हारा? वही हमारा, छुटका करने आया, घूमने आएगा, छुटका घूमने आया है। ओह छुटका को रखवाली, बॉडी गार्ड सिक्योरिटी के तौर पे रख लिए। वाह, यहाँ पार्किंग व्यवस्था बनाई है एकदम तगड़े तरीके से, और यहाँ से देख लीजिए नज़ारा एकदम, खिड़किया घाट का एकदम चमक रहा है राजा, एकदम चमचमा रहा है यार। घाट पे दो दिन सफाई ना हो तो इस घाट के लोग वाट लगा देंगे। भाई भी एकदम यहाँ पे एकदम शूट कर रहा है तगड़े में तरीके से। ये देखियो ट्रेन आ गई है, ट्रेन आ गई। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे नाव एकदम लगा हुआ राजा छाप के एकदम, इस वक्त नाव नहीं चलाया जा सकता, और चलाया जाएगा तो पुलिस इनको फंसा दे देगी, क्योंकि तो अभी नाव इस पे चलाना मना कर दिया गया है, कोई नाव ना चलाए। पानी जो है कि ऊपर चल रहा है और जलकुंभी आ रही है उसमें, उसके मोटर में फंस जाएगा इनका। देखिए कुछ खोज रहे हैं, क्या खोज रहे हो? आइए चलते हैं नीचे, और नीचे तो नज़ारा आपको दिखाते हैं थोड़ा सा, नीचे थोड़ा इधर नज़ारा दिखाते हैं। इधर भी देख लीजिए एकदम फुल एकदम राजा, ये भी खिड़किया घाट का ही दृश्य है। तो चलते हैं नीचे और 5 दिन बाद देखते हैं पानी कितना बड़ा है। कि आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पानी एकदम ऊपर आ गया राजा, एकदम छपा छप भरा हुआ है। बस संदेश आपको यही है कि पानी मत उतरिएगा, नहीं तो पानी उतरेंगे ना गप से नीचे जाएंगे और पता नहीं चलेगा और बह जाएंगे, चले जाएंगे पश्चिम बंगाल, बंगाल की खाड़ी में। अभी भाई धीरे धीरे मुस्किया रहा है ना भाई, या राजा या। आओ चलते हैं आगे और नज़ारा दिखाते हैं। देखिए यहाँ से राजघाट का अपना दृश्य अलग है, एक नज़ारा अलग है, खूबसूरत लग रहा है। आइए एकदम मजा लीजिए राजा, देख सकते हैं पानी कितना तेज बह रहा है। अगर कोई घर से समस्याएं हैं तो एक डुबकी लगा सकते हैं आप, और आपका समस्या दूर हो जाएगा। एक डुबकी लगाने का तात्पर्य यह है कि जिंदगी से छुटकारा पा लेंगे आप, वैसा मत कीजिएगा, क्योंकि डुबकी लगाएगा तो डुबकी की गहराई बहुत लंबी होगी, और ऐसी होगी फिर आप किनारे नहीं आ पाएंगे। ठीक है, तो हमारे कहने पे डुबकी उबकी मत लगाइएगा। ये देखिए बिजरामा होटल है, कभी मैं इसमें जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, बड़ा महंगा होटल है भाई, बनारस का सबसे महंगा होटल है। और देखिए जलकुंभी यहाँ पे लगा है एकदम चाप के एकदम राजा, देख सकते हैं यहाँ पे। और भाई वहाँ पे देख के हमको मुस्कुरा रहा है,
कहा था हमें चूटी काट ले लस। कहा भैया और कहा चल अब ठीक है मालिक। मालिक मत कहा मर रहा ऐसे कहीं भाई हुआ है यार। देखिए फिर भी लगीला नुकीला इंसान, ये नुकीला इंसान है, बड़ा खतरनाक है। भैया को टारगेट ले लिया था एकदम टारगेट पे। तो छोटू फोटो वोटो खींच लिए? हाँ, हो गया। हमारा वाला फोटो भी खींचो, एक हमारा थंबनेल बना देना। हैं कहा है बैटरी दूसरा नहीं रखे हो? एक ही बैटरी है। कैमरवा कितने तक का आता है? निकालो कैमरवा। कैमरवा अरे निकाला मरवा कैमरवा के तो कैमरवा ले ले बता रहा। देखा भैया अरे अच्छी का भी है तो कोई बात नहीं, फोटो किसने आया बना बस वही काफी है। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं पहली बार देख रहा हूँ ये क्या बह रहा है, इसमें ये क्या बह के जा रहा है आप थोड़ा बताएं हमको। कोई जानवर है जो बह के जा रहा है, शायद हमको लग रहा है भैंस है क्या, भैंस या गाय है। तो ये लोगों द्वारा कुकृत कार्य किया गया है। तो लोग जानवर है, जानवर जानवर से भी बदतर है यार, क्योंकि जानवर को भी आप दो रोटी दोगे ना तो वो भी आपसे प्यार करेगा। लेकिन सोचिए जानवर है यार, कहीं इसको दफनाए होते आप मर गया तो, इसको पानी में ही फेंक दिए। इतना बुरा ये बू मार रहा है ये, कि इसको सरकार को पता लगाना चाहिए कौन फेंका है, उसके डाल देना चाहिए। यहाँ से नज़ारा क्या खूबसूरत नज़ारा लग रहा है यार, खूबसूरत नज़ारा लग रहा है। तो यार लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। हम और है कि आजकल अपने वीडियो में पहले नहीं बोले हैं, लास्ट में भी नहीं बोल रहे हैं कि मेरी वीडियो को आप लाइक करें सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। तो नहीं कर रहे हैं इसका मतलब कर दीजिए, आपको कर देना चाहिए, क्योंकि बनारस की वीडियो में आपको हमेशा अपडेट देता रहूंगा। लग रहा है मुझे चूटी काट लिया है जिसकी वजह से मेरा पैर भमना रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे अभी मैं कौन से घाट पे मुझे पता तो नहीं है, लेकिन ये देख सकते हैं एकदम सीढ़ियों पानी एकदम नमो घाट का रास्ता है। मतलब यहाँ पे नमो घाट खत्म हो गया और मैं यहाँ पे आपको दृश्य दिखा रहा हूँ, पानी एकदम यहाँ पे आ गया घाटों पे। आइए चलते हैं आगे।